जय श्री का स्वागत है। आज हम बात करते हैं यूपी पीछे 2023 का, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब आप सभी लोगों ने फॉर्म आवेदन करना भी शुरू कर दिया है। आप सभी लोग आवेदन जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि सर इसकी योग्यता क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इस फॉर्म को भरने की जो उम्र सीमा है वो क्या है, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, क्या प्री परीक्षा में भी कोई बदलाव हुआ है, मुख्य परीक्षा में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको फॉर्म भरने के दौरान नहीं करनी है और साथ ही साथ परीक्षा हाल के अंदर भी आपको नहीं करनी है। अगर आप स्नातक हैं और आप चाहते हैं कि अपना आवेदन करना, आवेदन जरूर करेगा। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर पद की संख्या तो काफी कम है, क्या इस दशा में हमें आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि कई बार ऐसे हुए हैं कि यूपी पीसीएस की विज्ञप्ति जारी हो गई है, बाद में पद की संख्या भी बढ़ाई गई है। इसलिए जितने भी साथी यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं या जो भी फॉर्म भरने जा रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे ताकि हम इस यूपी पीसीएस से जुड़े हर सभी पहलुओं को एक एक करके जवाब देंगे। कि क्योंकि अब आप सभी को अपने अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं इसका एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। आप सभी को पता हो गया होगा कि यूपी पीसीएस की जो नोटिफिकेशन है वो 173 पदों पर 2023 के लिए जारी हो चुकी है, जहां पर आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो 3 मार्च अर्थात आज से आप आवेदन कर सकते हैं और आपने हो सकता है कुछ लोगों ने आवेदन भी कर लिया होगा। आवेदन के लिए जो उसमें जाति प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा जिलों का नाम, आरक्षण, आयु में छूट, इन सभी चीजों पर हम एक एक करके क्रमारूप से बात करेंगे, क्योंकि इस बार आवेदन करने की जो प्रक्रिया लगभग 1 महीना तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी जो आप 6 अप्रैल तक है, लेकिन ऑनलाइन मोड की जो फीस जमा करने की अंतिम तिथि है वो 3 अप्रैल है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 3 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट समय क्या होता है साइड में भी लोड पड़ने लगता है। कोशिश करिएगा कि इस होली में ही या होली के आसपास ही अपने फॉर्म का आवेदन कर लीजिएगा। वैसे आपके पास पूरा 1 महीना है आवेदन करने के लिए। अगर पूछा जाए कि कितने पदों पर लगभग आवेदन होते हैं तो 2022 में जो पीसीएस हुआ था लगभग 5 से 6 लाख पदों पर आवेदन हुआ था। एक सवाल आपके मन में आता है कि सर आयु सीमा क्या है, क्या मैं भी पीसीएस का फॉर्म आवेदन कर सकता हूं या मैं भी पीसीएस की फॉर्म आवेदन कर सकती हूं। आपके मन में अगर सवाल आया तो जानते रहिएगा, अगर आप 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, अगर आप 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो आप पीसीएस 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम आयु सीमा जो है वो 40 वर्ष है। तो आपके मन में आएगा कि सर क्या आयु में किसी प्रकार कोई छूट है। जी हाँ, उस पर भी मैं आपको एक एक करके बात कर रहा हूं। देखिए, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले हुआ है, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले हुआ है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। मतलब 21 वर्ष का होना आपके लिए जरूरी है, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा 40 है। और तो इसलिए अब जो 2 जुलाई 1983 से जो पहले हैं उनके लिए भी क्या है, कुछ लोगों को आवेदन में उम्र सीमा में भी छूट है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी या जो कुछ खेल है उसके कुशल खिलाड़ी हैं या प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 5 साल की छूट दी जाती है। मतलब वो 45 की उम्र तक यूपी पीसीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब एक तो आपको पता चल गया उम्र सीमा को लेकर, दूसरा सवाल आपके मन में आता है कि सर सामान्य अध्ययन पहले 4 पेपर होते थे, लेकिन अब वैकल्पिक विषय हटा दिए गए हैं, तो जो 2 विषय वैकल्पिक हटाए गए उनकी जगह सामान्य अध्ययन के 2 पेपर और जोड़ दिए गए, तो जब जीएस के कुल पेपर की संख्या 6 हो चुके, कितने हो गए हैं 6, जीएस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये पहले की तरह 4 होंगे, लेकिन जो 2 नए जुड़े हैं, जो 2 पेपर नए जुड़े हैं ये यूपी स्पेशल से होंगे। किससे होंगे? यूपी स्पेशल होगा, मतलब यूपी विषयक विस्तृत और व्यापक सिलेबस होगा। इसका इसका जो विस्तृत सिलेबस है वो आपको उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है upcsup.nic.in पर उपलब्ध होगा। अब एक सवाल आपके मन में आता है कि सर योग्यता किसी भी विषय के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आप पीसीएस में आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास सबसे बड़ी जिस चीज है वो आप ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए कुछ विशेष डिग्री की जरूरत पड़ती है, जैसे सब रजिस्ट्रार के लिए ला ग्रेजुएट, जो सब रजिस्ट्रार हैं उनके लिए ला ग्रेजुएट महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है उनके लिए इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, सोशल वर्क और ट्रेड मैनेजमेंट में पीजी होना जरूरी है। टैक्स कमिश्नर की बात करें तो जो टैक्स कमिश्नर में है उनके कॉमर्स में बैचलर डिग्री कम से कम 55% मार्क के साथ होना चाहिए। माने जो टैक्स कमिश्नर में है उनके पास कॉमर्स बैचलर डिग्री कम से कम 55% मार्क होने चाहिए। एक बात समझ में आ रहा होगा कि
इस बार केवल 173 पद है, जिसके नाते अभ्यर्थियों में काफी मायूसी फैली हुई है। वो कह रहे हैं कि सर 173 पदे मेरा होगा कि नहीं, मैं आवेदन करूं या ना करूं। ऐसा सवाल, ऐसे प्रश्न क्या आपके भी मन में आ रहे हैं? अगर आपके मन में आ रहे हैं, आइए इस पर भी हम चर्चा करते हैं और इसके तथ्यों को भली भांति जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, आपको भी पता है कि परीक्षा में आवेदन करने के बाद, फॉर्म भरने के बाद में पद की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। आप कहेंगे सर ऐसा कभी हुआ है क्या? जी हाँ, मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि 2022 जो अभी पीसीएस की इंटरव्यू चल रहा है, इसमें 250 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन बाद में पद की संख्या बढ़ाकर 383 कर दी गई, माने 250 से अब पद की संख्या 383 हो गई। फिर 2021 की अगर हम बात करें, उसमें 400 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन बाद में इसकी पद की संख्या बढ़ाकर 628 कर दी गई थी, लगभग 250 पद बढ़ाए गए, 228 पद बढ़ा दिए गए थे। अगर हम 2020 की बात करें, इस पर मात्र 200 पदों पर ही विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन आगे चलकर पदों की संख्या 487 कर दी गई, मतलब बाद में पदों को बढ़ा दिया गया। और फिर अगर हम बात करें कि जो 476 पर ही बल्कि अंत में चयन हुआ था 2020 की बात करें, बाद अगर 2019 की बात करें तो उसमें 300 पद घोषित किए गए थे, ठीक है, लेकिन बाद में जाते जाते उस पद की संख्या 453 हो गई, माने जो 300 पद पर घोषित हुआ थी बाद में चलकर 453 हो गया, मतलब 153 पदों की वृद्धि हो गई थी। लेकिन 2018 की बात करें, जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 988 पद घोषित हुए थे, लेकिन अंतिम चयन जो हुआ था वो 976 पदों पर हुआ था। इसलिए इस बात के लिए मायूस ना हो कि 173 पद ये, हो सकता है 400 पद हो जाए, 500 पद हो जाए, तो बाद में पदों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए आप सभी साथी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे आवेदन जरूर करेंगे। एक बात है कि यूपी पीसीएस के लिए वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता खत्म हो गई, इससे आपका फायदा होगा। अगर आप यूपी के हैं तो आपके लिए काफी बेहतर होगा, क्योंकि पहले क्या था, जो यूपीपीएससी माने यूपीएससी के जो सिविल सर्विस के जो जैसे आईएएस कहते हैं, आईएएस पीसीएस के जो आईएएस जो तैयारी करते थे, वो भी उन वो जो इंटरव्यू तक का सफर तय कर लेते थे, वो यूपी पीसीएस आसानी से सिलेक्शन ले लेते थे, अन्य राज्य के लोग भी सिलेक्शन ले रहे थे। लेकिन अब क्या है, जो वैकल्पिक विषय था उसको हटा दिया गया, अब उसके जगह पर यूपी स्पेशल कर दिया गया, अब उन्हें खासा मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर यूपी के हैं, आपके लिए आपकी राह आसान हो गई। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। इसलिए आप सभी साथी इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा और आवेदन करने के बाद आज ही से ही अपने तैयारी में जुट जाइएगा। जी हाँ, और दूसरे राज्यों के छात्र जो कम हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके लिए टेढ़ी खीर हो जाएगी यूपी स्पेशल तैयार करना, लेकिन आपके लिए तो सब कुछ जाना सुना पड़ा है। एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं और आपको ये गलती नहीं करनी है, कि अगर आपने एक से अधिक आवेदन कर दिया तो क्या होगा। तो जैसे आज आपने आवेदन कर दिया 3 मार्च को, फिर आपने 10 मार्च को कर दिया, 20 मार्च को कर दिया, 25 मार्च को कर दिया, 30 मार्च को कर दिया, अब क्या होगा। तो आयोग ये कहता है कि जो सबसे अंतिम आवेदन आपने किया, जो आपने 30 मार्च का आवेदन किया है, वही मान्य होगा। मतलब अगर आपने 15 मार्च को भरा और आपने 1 अप्रैल को भरा, तो 1 अप्रैल वाला ही आपका मान्य होगा, माने जो अंतिम बार आपने आवेदन किया है वही मान्य होगा, बाकी पहले के जितने आवेदन है निरस्त हो जाएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप एक ही बार आवेदन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, इसलिए ध्यान से फॉर्म को भरिएगा, वरना उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। 31 मार्च तक ओटीआर को पूरा करने की अपील बार बार की गई, यहां तक कि आपने देखा होगा कि पीछे 2022 के लिए भी बार बार ओटीआर की बात की जा रही है। अब आपके मन में आ रहा सर ओटीआर क्या है, ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे हम ओटीआर कहते हैं, और इसको पीसीएस के फॉर्म भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को फॉर्म को पूरा भरना, और उसके बारे में भी आपको जानते रहना है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे कि सर 3 मार्च से जो यूपी पीसीएस की परीक्षा होने जा रही है, उसके बहुत सारे जो प्रश्न होंगे वो भी आपके मन में आ रहे होंगे कि सर कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं हम। तो आप जानते रहिएगा कि यूपी पीसीएस जो है वो अधिकतम प्रयास की संख्या कोई निर्धारित नहीं है, आप जितनी बार चाहें अपनी अंतिम उम्र सीमा तक दे सकते हैं, 40 वर्ष तक, या जिनकी 5 वर्ष छूट है वो अपने अंतिम उम्र सीमा तक परीक्षा को दे सकते हैं। और कहा जाता है क्या मैं आवेदन कर सकता हूं, जी हाँ, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप आवेदन करिए 3 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच, लेकिन कोशिश करिएगा कि 31 मार्च तक ही आवेदन प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाए। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होना, स्नातक होना चाहिए, अगर कोई विशेष पद है तो उस पद के सापेक्ष आपके पास योग्यता जरूर होनी चाहिए। अब इसकी परीक्षा कब होगी, तो आपको पता होगा, परीक्षा को पता हो गया कि जो प्री परीक्षा होगी, प्रीलिम्स होगी, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो 14 मई 2023 को होगी, लेकिन इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो 23 सितंबर 2023 को होगी। इसका
जी हाँ, तो इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल है तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप देखिए, अगर हम बात करें 2023 परीक्षा, इन तारीखों की मदद से सलाह दी जाती है कि परीक्षा किस गतिविधि को कोई भूल न जाए। यहाँ पर देखिए, ये 2022 की है जो पीसीएस, और यहाँ पर यूपी पीसीएस 2023 की, यहाँ पर कई चीजें कॉमन करके दी गई, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर चाहते ई लर्निंग पे दुर्गेश के से आपको प्री के जीएस की सभी नोट्स मिल जाएगी जो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जो भी साथी हैं और यूपी के किसी भी जिले से हैं, उनके लिए काफी मददगार हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे 2023 की जो है, इसमें 3 मार्च से आप आवेदन कर सकते हैं, आज से आवेदन शुरू है, ठीक है, और 6 अप्रैल तक आवेदन की अंतिम तिथि है। लेकिन 3 अप्रैल तक ही कोशिश करिएगा कि आपका आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाए, 3 अप्रैल 2023, ठीक है। और इसकी जो प्री परीक्षा वो 14 मई को, किस प्री कब है, 14 मई को है, लेकिन पिछली बार अगर प्री देखा जाए तो 12 जून को था। अब इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो 23 सितंबर की होगी, ठीक है, 23 सितंबर शुरू होगी। लेकिन अगर हम पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा की बात करें, 23, 28, 29 और 1 अक्टूबर 2022 को थी। तो यहाँ पर दोनों कैलेंडर आपके सामने, लेकिन आपको जो फॉलो करना है वो ये कैलेंडर है, इसी को आपको पूरा फॉलो करके रखना है। आपको 14 मई और 23 सितंबर याद रखना है। ईश्वर करे कि आपकी तैयारी पूरी हो और आप इस बार अपने सिलेक्शन के करीब पहुंचे, अपने माँ बाप अपने परिवार का भी नाम रोशन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक तो पहुंचाते रहेगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। थैंक यू सभी का। इस वीडियो में अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। जल्दी हम आपके लिए पीसीएस की प्री के लिए जीएस की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो सीरीज पूरी तरह से निःशुल्क होगी। यह थियरी और एमसीक्यू दोनों बेस पर होगी, मतलब जहां पर हम एमसीक्यू के माध्यम से हम प्रश्न बैंक को सॉल्व कराएंगे, वहीं हम थ्योरी की मदद से, थ्योरी के साथ साथ हम आपके प्रश्न के जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, उनको भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यूपी पीसीएस 2023 के फॉर्म भरने के बाद अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके सामने आरओ, एआरओ और फिर बीईओ, ये दो ऐसी परीक्षा है जो आपके लिए आगे चलकर काफी मददगार होने वाली है। इसलिए जो भी साथी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस, जो भी यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये परीक्षाएं आगे चलकर काफी मदद, क्योंकि अगर आपने जो जीएस पढ़ा है वो आगे चलकर आपको आरओ और रीओ में काफी मदद करने वाली। इसलिए आप लोग अपना बेहतर दीजिएगा, आवेदन जरूर करिएगा और अंतिम क्षण तक लड़िएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। इस सपनों को पूरा करना है और अपने माँ बाप के सपनों को भी पूरा करना है, क्योंकि अगर आपने मेहनत किया, अपना बेस्ट दिया, तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इलानी बिद्रोह से फॉलो करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आप इलानी बिद्रोह के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी शेयर करिएगा। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो आप इलानी बिद्रोह के इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको सभी जानकारी मिल चुकी होगी, सारी बातें आपको समझ में आ गई हो, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल, कोई प्रश्न हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और पद की संख्या बढ़ेगी, जैसा कि हमने कई बार बताया, कई बार ऐसा हो चुका है कि जहां पर पदों की संख्या बढ़ाई गई है, बढ़ी है, इसलिए इस बात के लिए एकदम डरिएगा नहीं। आप अपना बेस्ट और बेहतर देते रहिएगा। थैंक यू सभी का, बाय बाय। हाँ, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।